इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेल। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कोरोना हुआ है तो मौत भी हो सकती है, लेकिन यदि इलाज व तीमारदारी के अभाव में मौत हो तो मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के PSO विभांशु वशिष्ठ की भी आज मौत हो गई। मौत से पहले विभांशु ने इलाज व तीमारदारी के अभाव के प्रति कड़ी नाराजगी जताई थी। महानगर अध्यक्ष को भी इससे अवगत कराया गया था। बता दें कि PSO के पिता की भी कोरोना से मौत हो चुकी है, ऐसा जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का कहना है। जबकि हकीकत यह सामने आ रही है, करीब 20 घंटे तक पिता राकेश शर्मा को खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं मिला था, जबकि वह शुगर के मरीज थे। पानी की एक बोतल उन्हें पकड़ा दी गई थी। अभी PSO के भाई भी भर्ती हैं, जबकि पहले नेगेटिव आई माँ की रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव आ गई है। समझा जा सकता है, जब सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों का यह हाल है तो फिर आम जनता कितना तिल तिल कर मर रही होगी। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल का कहना है कि विभांशु व उसके पिता राकेश शर्मा की मौत के लिए मौजूदा सिस्टम जिम्मेदार है। फर्स्ट बाइट से मुकेश सिंघल ने कहा कि विभांशु के पिता को 20 घंटे में सिर्फ 2 सेब दिए गए, जबकि वह शुगर के पेशेंट थे। वह कोरोना से क्या, शुगर व लापरवाही से मर गए। पिछले 2 दिन से लगातार विभांशु पेट में अफारा होने की शिकायत कर रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। विभांशु खुद मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। महानगर अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि यदि यही हाल रहा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भाजपा के दक्षिण विधानसभा विधायक सोमेंद्र तोमर ने बीते दिवस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बैठक में भी मेडिकल कॉलेज व CMO कार्यालय की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। विधायक ने बैठक में साफ कहा था कि कॉलेज प्राचार्य सही वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करा रहे हैं और यही कारण है कि लोग मेडिकल जाने से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यदि वह कोरोना से नहीं मरे तो सुविधा अभाव व लापरवाही में मर जाएंगे। बता दें कि पार्टी संगठन द्वारा लखनऊ के पंचम तल को जब जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की हिला हवाली की जानकारी दी गई तो लखनऊ से ही आदेश आए, जिसके बाद मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी भाजपा सांसद व विधायकों के साथ बैठे। इस बैठक में सोमेंद्र समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने शहर में कर्फ्यू लगाने की बात कही। गंभीर तथ्य यह भी है कि जिला प्रशासन स्तर से भारी हिला हवाली के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि यह है कि 20 से 48 घंटे बाद संक्रमित इलाकों को सील करने की औपचारिकता निभाई जा रही है। दिल्ली रोड के RK पुरम के बाद शास्त्री नगर H ब्लॉक, खरबंदा शॉपिंग हब इसके उदाहरण मात्र हैं। आज अरुणोदय सोसाइटी द्वारा आयोजित वेबिनार में SP City अखिलेश नारायण को एक सवाल के जवाब में यह कहते सुना गया कि 20 घंटे बाद सील करने का कारण यह है कि प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। गंभीर बात यह भी है कि शुरुआती दिनों में जिला प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई थी वह अब लेट लतीफे व औपचारिकता में बदल गई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार और जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विश्वास चौधरी का यह हाल है, वह अपने कार्यालय तक ही सीमित रह गए हैं, जहां जाना सभी के लिए संभव नहीं है और फोन वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। यानी यह कहा जा सकता है कि यहां सब ठीक है, लेकिन भगवान भरोसे। इस खबर में अभी फिलहाल इतना ही। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां तो अपना खुद ही ख्याल रखना होगा। घर रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।